विदिशा जिले के गंज बासोदा में अनाज मंडी की एक दुकान सील किए जाने के विरोध में व्यापारी एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व गंज बासोदा विधायक एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। विधायक ने प्रशासन पर दबाव में कार्य न करने की नसीहत दी और दुकान सील करने की कार्यवाही को राजनीतिक प्रेरणा से की गई कार्यवाही बताया। दरअसल सोमवार को गंज बासोदा की अनाज मंडी में जयेश ब्रदर्स दुकान को प्रशासन द्वारा ताला लगाकर सील कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा यह कार्यवाही उस समय पर की गई जब मंडी बंद थी और दुकान का मालिक भी मौजूद नहीं था। वहीं इस कार्यवाही के पहले दुकान मालिक को कोई भी जानकारी नहीं दी गई। मंडी प्रशासन के अनुसार यह कार्यवाही दुकान के अतिक्रमण में होने के कारण की गई, जबकि व्यापार महासंघ, अनाज एवं तिलहन व्यापार संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं विधायक द्वारा इस कार्यवाही को राजनीतिक प्रेरणा से की गई कार्यवाही बताया और एसडीएम कार्यालय के सामने सभी ने मिलकर धरना भी दिया। हमारी एक मंडी की प्रतिष्ठित फर्म जयेश ब्रदर्स को कुछ दिन पहले नोटिस और मशीन का अतिक्रमण का नोटिस दिया गया मंडी प्रशासन द्वारा। शुक्रवार को उस विषय में हमारी मंडी सचिव से बात हुई, उनने हमको आश्वासन दिया कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जब तक सीमांकन नहीं हो जाएगा जब तक कोई अगली कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद फिर आज बंद मंडी में बंद दुकान में प्रशासन ने बिगर व्यापारी संघ या संबंधित व्यापारी को कोई पूर्व सूचना दिए उस दुकान के तालों को सील कर दिया गया है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। इसके बाद अभी जानकारी लग रही है कि वो ताले खोल दिए गए हैं, मतलब जो उन्होंने सील किया था उसको हटा लिया गया है। मंडी में वैसे तो मंडी बंद है, पिछले कुछ दिनों से मंडी में कोई काम नहीं हो रहा, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। इसके बाद आज एक व्यापारी के ताले को सील किया गया, ये एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं था, व्यापारी भी नहीं है यहाँ पे और मंडी के खुद सेक्रेटरी साहब भी आज बासोदा में नहीं है, विदिशा में, और उन्होंने ये इस तरीके की जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई करी उसके खिलाफ आज हम सब व्यापारी वर्ग और भारतीय जनता पार्टी एक साथ उत्पाद उन्होंने ताले की सील हटा दी है। धरने के दौरान ही तहसीलदार के द्वारा ताले खुलवा दिए गए एवं धरना प्रदर्शन करने वाले सभी व्यापारियों एवं विधायक से बात कर धरना खत्म कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, विदिशा।